निवेश इन्वेस्टमेंट इस वीडियो में हम निवेश के बारे में पता करेंगे अपने पास जो पैसे या कमाई होती है वो ऐसी जगह निवेश करनी चाहिए जहाँ उस रकम या उस कमाई में निश्चित अवधि के बाद बढ़ोतरी हो जाती है ये कमाई ज्यादा आमदनी करने के उद्देश्य से बैंक में किसी उद्योग समूह में या किसी व्यवसाय में लगाई जाती है इसी को हम निवेश करना कहते हैं निवेश कई बार स्थायी संपत्ति या योजना में किया जाता है जैसे कि सोना प्रॉपर्टी या बैंक में रखी अमानत या शेयर्स या कंपनी के स्टॉक्स इत्यादि निश्चित निवेश करते वक्त सिर्फ उस चीज का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से न करते हुए उससे भविष्य में संपत्ति निर्माण करने के उद्देश्य से करनी चाहिए किसी भी निवेश में हमेशा किसी संपत्ति समय पैसा यह प्रयासों का योगदान देना जरूरी होता है जिससे भविष्य में मूलभूत चीजों से ज्यादा प्रतिफल मिलने की आशा होती है इस निवेश से जो फायदा मिलता है उसे हम निवेश से मिला प्रतिफल कहते हैं उदाहरण के तौर पर आज कोई प्रॉपर्टी कुछ सालों बाद ज्यादा फायदा कमाने के उद्देश्य से खरीद लेना मतलब प्रॉपर्टी में निवेश करना है आज किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदें और कुछ सालों बाद उसकी कीमत एक लाख चालीस हजार हो जाए तो चालीस हजार ये उसका फायदा होता है निवेश के कुछ प्रकार वैसे देखा जाए तो अलग अलग तरीकों से निवेश किया जाता है बदलती अर्थव्यवस्था के अनुसार निवेश के अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं लेकिन निवेश के कुछ मुख्य प्रकार हैं और कोई भी प्रतिफल इसी प्रकार में मिलता है एक कैपिटल अप्रिसिएशन किए हुए निवेश का मूल्य बढ़ना इसमें संभवतः कंपनी के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड ऐसे निवेश का समावेश होता है दो किए हुए निवेश पर ब्याज मिलना जैसे बैंक में रखी जमा राशि पोस्ट में हुआ निवेश प्रोविडेंट फंड बीमा क्रेडिट सोसाइटी, राष्ट्रीय पेंशन योजना इत्यादि में से मिलने वाला ब्याज तीन डिविडेंड या लाभांश किसी कंपनी के शेयर्स अपने पास रखने से कंपनी जो ब्याज उनके शेयर धारकों को देती है उसे डिविडेंड या लाभांश कहा जाता है चार किराया या मूल वृद्धि से मिला हुआ फायदा घर जगह इस पर जो किराया है और सोने पर मिलने वाली मूल वृद्धि इस प्रकार में आते हैं निवेश करना जरूरी क्यों है या फिर से एक बार बचपन की बातों में झांकने की जरूरत है अरे लेकिन जरा रुकिए बचपन की मस्ती भरी यादों में खो मत जाइए बल्कि याद कीजिए कि स्कूल जाते वक़्त पसंदीदा चीज़ खाने के लिए कितने पैसे लगते थे और आज वही चीज़ के कितने पैसे लगते हैं कुछ साल पहले तक बीस या तीस रुपए में पूरा खाना मिला करता था लेकिन आज उसी खाने के लिए सौ रुपए लगते हैं इस मूल्य वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति जिम्मेदार है इसी को हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं इसका मतलब यही है कि पिछले बीस रुपए आज के सौ रुपए जितने हैं महंगाई या मुद्रा स्फीति इसी तरह से पैसे का मूल्य कम करती है और एक आसान उदाहरण से ये समझने का प्रयास करते हैं मान लीजिए कि आज के सौ रुपए के चावल एक साल बाद एक सौ दस रुपए के होने वाले हैं लेकिन वो सौ अगर हम एक साल अपने पास रखेंगे तब भी वो सौ रुपए ही रहने वाले हैं मतलब एक साल बाद वही चावल लेने के लिए दस पड़ेंगे और इसके लिए आपको उतनी कमाई करनी पड़ेगी लेकिन वही सौ रुपए निवेश किए जाए तो एक साल बाद उसके क्रेडिट अप्रिसिएशन या उस पर ब्याज मिला के वो एक सौ दस रुपए हो जाएंगे और हमें अलग से दस रुपये भरने की जरूरत नहीं होगी जो लोग निवेश नहीं करते वो कितना भी कमा लें उन्हें पैसों की कमी हमेशा होती है इसके अलावा मुद्रास्फीति या महंगाई जिस दर से बढ़ती है उस दर से अपनी आमदनी बढ़ेगी ये कह नहीं सकते तो हमने यहाँ देखा कि हम निवेश इसलिए करते हैं कि उसमें से हमें अच्छा प्रतिफल और मूल्य वृद्धि मिले निवेश के जो प्रकार हमने देखे उसमें से होने वाली मूल्य वृद्धि या ब्याज यही इसका फायदा है